तत्। अपनी काया से, वचन से, मन से कुछ भी करो, सब भगवान को अर्पित करो। हमारे वृंदावन में एक बाबा थे, उन बाबा से कोई जाके कहता, बाबा कल्याण का मार्ग बताओ। बाबा कहते, तेरे खाते में कितने रुपया पहले जे बता। और व्यक्ति कहता, बाबा 2 लाख रुपया है। बाबा डंडा लेके भागते, 2 लाख रुपया में कल्याण कराएगा अपनो भगियाते। एक बार एक व्यक्ति आया, बोले मेरे खाते में 1 करोड़ रुपया है, मैं जाके बाबा से कहूं, बाबा मेरा कल्याण को मार्ग बताओ। बोले खाते में कितने रुपया? बोले बाबा सबसे ज्यादा 1 करोड़ रुपया मेरे खाते में। बाबा उसके पीछे पत्थर लेके भागे, बोले 1 करोड़ में कल्याण कराएगा। एक बार एक ने पांव पकड़ लिए, बोले बाबा 1,000 में भी कल्याण नहीं करते, 1 लाख में भी कल्याण नहीं करते, 1 करोड़ में भी, अब कितना लाए हम, कितना खाते में होना चाहिए तब कल्याण होगा। तब बाबा बैठा के बोलते, अरे पागल तुम सांसारिक खातों की बात करते हो, मैं तो ठाकुर जी के चरण रूपी खाते की बात करता हूं। और ये पूछता हूं खाते में कितना है, मतलब कितना नाम जप करते हो रोज, कितना स्मरण करते हो भगवान को, उसकी गिनती बताओ। कितना नाम करते हो, कितना स्मरण करते हो, कितना भजन करते हो, उसकी गिनती जिस दिन बताओगे तब अब कल्याण बताऊंगा ना। अब नाम जब करते नहीं हो, भजन करते नहीं, कीर्तन करते नहीं, तो करोड़ रुपया धरे रहो बैंक में, उससे कल्याण होगा ही नहीं। हाँ किसी दिन आकर के यो बताइयो, बोले बाबा मैं 11 श्री राधा नाम को माला करूं, मैं अपने गुरुदेव के नाम को स्मरण करूं, मैं नित्य वृंदावन को स्मरण करूं, तब बताऊंगा कल्याण कैसे होएगा। तो बंधुओं ठीक उसी प्रकार भागवत धर्म क्या है, अपनी काया से, वचन से, मन से जो कुछ भी करो सब भगवान के चरण रूपी खाते में इकट्ठा कर दो। हर क्रिया को करने के बाद एक काम किया करो, चाहे गंगा स्नान करो, चाहे जप करो, चाहे परिक्रमा करो, चाहे प्रणाम करो, चाहे अन्न भोजन कराओ, संतों को कुछ प्रदान करो, सब क्रिया को करने के बाद हाथ में 2 बूंद जल दो और जल लेकर के तुरंत श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर दो। आप कहोगे महाराज जी उससे क्या होगा, अगर आप ठाकुर जी के चरणों में निवेदित नहीं करोगे तो जो पुण्य आपने किया है वो पुण्य आप भोगोगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपने जो पुण्य किया है उसको आप तुरंत भोग लोगे। जेब में 2,000 नोट पड़ी, 2,000 की नोट तो बंद हो गई, जेब में यदि 500 की नोट पड़ी है तो निश्चित है खर्च हो जाएगी। तो ऐसे ही पुण्य यदि आपके पास रहेगा तो आप खर्च कर दोगे, उसको रह नहीं पाओगे किए बिना खर्च। और पुण्य खर्च कैसे होता है, अपनी प्रशंसा कहीं सुन लोगे पुण्य खर्च हो गया, अपना मान सम्मान कहीं सुन लोगे खर्च हो गया, कोई आपकी बड़ाई कर देगा तुरंत आपका पुण्य खर्च हो जाएगा। एवं संसार में मिलने वाली उपभोगताएं, संसार में मिलने वाले भोग विलास, जब उनको भोगोगे तो अपने पुण्य के बल पर ही भोगोगे, पुण्य खत्म होता है भोग भोगने से। आज घर पर भोजन नहीं करेंगे, बाहर खाने चल रहे हैं, बाहर खाने के लिए गए, बिना भोग लगाए ठाकुर जी का प्रसाद जैसे ही पाने लग जाओगे भोग भोग रहे हो, उससे आपका पुण्य कम होगा। अपने पास रखोगे तो अपने पास रखने से पुण्य को खर्च कर दोगे, इसलिए क्या करें, श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु ठाकुर जी के चरण में अर्पित कर दो। तो फिर क्या होगा, बोले जो तुम्हारे बट में है केवल उतना ही भोगोगे, पुण्य के बदल पे एक्स्ट्रा नहीं भोगोगे। तो बोले ठाकुर जी के चरणों में गया उससे हमको क्या फायदा होगा, बोले यदि मृत्यु के बाद किसी कारण से यदि नरक जाना होगा तो भगवान अपने चरण से उन पुण्यों को भेज देंगे जो हमने अर्पित किए, और उन पुण्यों के प्रताप से हमारे नरक के द्वार बंद हो जाएंगे और हमको श्री कृष्ण के चरणारविंदों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए समझ में आई कि नहीं पता नहीं आपको बात, पर मैंने कह दी, कुछ भी करो श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु सब भगवान को अर्पित करो, उसमें फायदा है। वराह पुराण में एक जगह प्रसंग आता है कि भगवान आप कहते हैं कि अंतिम श्वास में अगर आपको कोई याद करे तो ही आपको प्राप्त करेगा, और कोई किसको ही आपको याद करना भूल जाए तो भगवान कहते हैं यदि जीवन पर्यंत किसी ने मेरा स्मरण किया होगा तो
तो उसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जीवन पर्यंत जो मेरा स्मरण करता है, यदि अंत काल में वो मेरा स्मरण नहीं कर पाता तो मैं उसका स्मरण कर लेता हूं, मैं उसको याद कर लेता हूं। इसने जीवन भर मेरा नाम जप किया, अब ये नहीं कर पा रहा, कोई बात नहीं, मैं उसको याद कर लेता हूं। या फिर जो जीवन पर्यंत पुण्य करने के बाद मेरे चरणों में अर्पित कर देता है, ऐसे व्यक्ति के अगर अंतिम क्षण में यदि किसी घटना से मृत्यु हो जाए, किसी अन्य काल से मृत्यु हो जाए और वो किसी कारण से मेरा नाम ना गा पाए, तो उसके संचित पुण्य जो उसने मेरे को अर्पित किए, उन पुण्यों के प्रताप से मैं उसको मुक्ति प्रदान कर देता हूं। जितनी बार गंगा जी में स्नान करो, हाथ में जल लो, कृष्ण चरणार्पण मस्तु। और अगर ये श्लोक आता है तो बहुत अच्छा, कायेन वाचा मनसे इंद्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुशतस्वभावात् करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। और पूरा याद नहीं हो तो इतना ही याद कर लो, नारायणायेति समर्पयामि। एक बूढ़ी माता जी थी, वो कहीं कथा सुन के आई, उन व्यास जी कह रहे थे जो कुछ भी करो, काया से, वचन से, मन से, बुद्धि से, सब भगवान को अर्पित कर दो। अगले दिन मैया ने घर में झाड़ू लगाई और झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा किया, इकट्ठा करके बाहर डाल दिया, नारायणायेति समर्पयामि। नारद जी महाराज ने देख लिया, नारद जी महाराज बोले, हे पागल मैया, क्या कर रही हो? दुनिया के लोग ठाकुर जी को पुष्प चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़, तुम कचड़ा चढ़ा रही हो ठाकुर जी को। ए तू ना जाने बाबा, व्यास जी कल कथा में कह रहे थे जो कुछ भी करो सब भगवान को दे दो। नारद जी को थोड़ा क्रोध आ गया तो माता जी को थोड़ा दंड दे दिया उन्होंने, और दंड दे करके जैसे दंड दिया तो गाल पर दंड दिया, दंड लेते ही मैया ने गाल पर हाथ रखा, बोले ये भी नारायणायेति समर्पयामि, ये भी नारायण को समर्पित। नारद जी बोले, रुक, तेरी शिकायत करता हूं भगवान से जाके। भगवान के पास गए तो ठाकुर जी गाल पे हाथ रख के बैठे थे। नारद जी महाराज बोले, भगवान क्या हुआ? बोले, नारायणायेति समर्पयामि। बोले, प्रभु ऐसे तो संसार के लोग कुछ भी अर्पित कर देंगे आपको, आप सब स्वीकार करोगे? बोले, ना भाजी, भक्तमाल में कहते हैं, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पग वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु, ये चार नाम अलग हैं पर वास्तव में तत्व एक ही है। यदि कोई भक्त है नारद और मेरे को प्रेम भाव से, सरल भाव से यदि मुझे भजता है तो वो कुछ भी अर्पित करे, मैं सब स्वीकार करता हूं, क्योंकि भक्त में और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। उसको होने वाली पीड़ा मुझको ही लगती है, उसको होने वाला सुख मुझे ही लगता है, उसको होने वाला आह्लाद मुझे ही होता है, मेरा अपना कोई मन नहीं। भक्तों के